देखो हम बात कर रहे हैं हम आज काई की पैरामिशियम में जनन की। अब पैरामिशियम के अंदर जनन दो तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब जनरली पैरामिशियम के अंदर अलैंगिक जनन ही होता है मैक्सिमम, लेकिन लगातार अलैंगिक जनन होने के कारण पैरामिशियम की आकार में छोटे और कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी के स्वस्थ नहीं बनते हैं, यानी उनके जो ओज में है वो कमी आती जाती है। इसलिए फिर कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी भी पैरामिशियम में कौन सा सेक्सुअल लैंगिक जनन होने लगता है तो फिर पैरामिशियम के संकर ओज में क्वालिटी में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन लगातार अलैंगिक जनन के कारण उनकी संख्या में भी कमी आने लगती है, उनकी मृत्यु भी होने लगती है, इसलिए फिर उनमें क्या होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के समय दो पैरामिशियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनके केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है और फिर दोनों क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है, दो अलग अलग केंद्रकों का क्या होता है फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर भी दो पैरामिशियम के अंदर एक्सचेंज होगा और फिर वो दोनों क्या होंगे अलग हो जाएंगे। इसी को हमने क्या कहा है कॉन्जुगेशन संयुग्मन। अब आपको यहाँ डायग्राम में देखिए, आपको पैरामिशियम ऐसा बनाना है स्लीपर के आकार का, हो सकता है मैं सब जगह नहीं बना पाएंगे लेकिन आप लोगों को लगभग ऐसा ही बनाना है स्लीपर के आकार का, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले क्या करा, पैरामिशियम के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, एक आकार में बड़ा है एक आकार में छोटा है। उनको बड़े वाले को हम वैसे भी मेगा कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो कहते हैं। तो मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस और दोनों में क्या होती है पेयरिंग बताइए, ये संपर्क में आते हैं, दो अलग अलग पैरामिशियम संपर्क में आए, फिर क्या होता है मेगा न्यूक्लियस तो डीजनरेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है, इस माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है विभाजन होता है, कितनी बार होता है दो बार। इसीलिए आप देखो ये एक था, इसमें ये पहला विभाजन हुआ और ये दूसरा हुआ और ये मेगा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एक से दो और दो से चार, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे आइए आप लोग देखिए, अब ये तो डिसअपीयर हो ही रहे हैं, इसके अलावा इनमें जो देखो चार बने थे ये, ठीक, इनमें भी क्या होगा तीन माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या बच रहा है सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस ये बच रहा है। अब इसके अंदर देखो क्या होगा अनियमित विभाजन होगा, मैंने ये यहाँ लिखा है माइक्रो न्यूक्लियस में डिवाइड अनइक्वली अनियमित विभाजन होगा, असमान अनियमितली असमान विभाजन से दो बनेंगे लेकिन असमान हो रहा है तो एक आकार में बड़ा बनेगा एक आकार में छोटा बनेगा, ये लिखा हुआ है कि माइक्रो न्यूक्लियस में डिवाइडेड अनइक्वली स्मॉल माइग्रेटरी। अब देखो यहाँ पर असमान हुआ एक बड़ा और एक छोटा, बड़े वाले को क्या कहा लार्ज स्टेशनरी फीमेल। अब ऐसे भी आपको मालूम है कि फीमेल न्यूक्लियस जो है वो मेगा स्पोर कहलाता है, मेगा न्यूक्लियस कहलाता है और वो स्थिर होता है और हमेशा माइक्रो न्यूक्लियस मोटाइल होता है चल होता है, यानी माइक्रो न्यूक्लियस ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होगा जाएगा, यही लिखा है लार्ज स्टेशनरी फीमेल प्रो न्यूक्लियस ये लिखा है और इस छोटे के लिए लिखा है स्मॉल माइग्रेटरी, माइग्रेटरी मतलब जाएगा मेल प्रो न्यूक्लियस, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आगे देखिए ये लिखा है हमने, ये वाला इधर आ जाएगा ये वाला इधर आ जाएगा, ये छोटा वाला इधर आया इसका छोटा वाला इधर एक्सचेंज हो रहा है
आनुवंशिक पदार्थ का केंद्रक का, और यही हम चाह रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है। फिर आगे बढ़े, अब देखो, अब यहाँ मैं दो नहीं बनाऊंगी, जैसे ही एक्सचेंज होगा दोनों पेनामिशियम क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब हम सिंगल इसको बनाएंगे, दोनों को एक साथ नहीं बनाऊंगी, ठीक। ये देखो, अब ये यहाँ क्या है, मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे, ये एक बड़ा और एक छोटा आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये बना यहाँ पर जाइगोट, प्रत्येक जाइगोट में क्या होगा, तीन विभाजन होंगे। देखिए आप, एक से दो, दो से चार, चार से आठ बने, तीन डिवीजन हुए, तीन विभाजन हुए। इसके बाद देखो, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर, आठ थी, आठ में से चार तो बड़े हो जाएंगे, तीन चार छोटे रहेंगे, मेगा न्यूक्लियाई और माइक्रो न्यूक्लियाई। तो जो तीन है वो डिसअपीयर होंगे, ये लिखा है कि दिस डिफरेंशिएट इन फोर माइक्रो न्यूक्लियाई एंड फोर मेगा न्यूक्लियाई। यानी जो ये आठ बने हैं, इन आठ में से चार तो आकार में बड़े हो जाएंगे, डिफरेंशिएट मेगा न्यूक्लियाई के रूप में, और चार छोटे रहेंगे माइक्रो न्यूक्लियाई के रूप में। और फिर क्या होगा, जो माइक्रो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। अब चार तो बड़े और एक छोटा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, इसमें डिवीजन होगा, क्या हुआ, दो और एक छोटा, यहाँ पर भी दो और एक छोटा विभाजन हो रहा है। फिर एक और इसमें विभाजन हुआ, माइक्रो न्यूक्लियाई में दो बार विभाजन होगा, एक तो पहला विभाजन यहाँ हुआ, ये एक ही था, इस एक से दो हुए, फिर इस माइक्रो में एक और हुआ। ये देखो, ये लिखा मैंने कि पेरामीशियम में डिवाइड ट्वाइस माइक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो न्यूक्लियाई का दो बार विभाजन होता है। इस तरीके से आप देखो, एक से कितनी कोशिकाएं बन गई, चार कोशिकाएं, और आप देखो एक मेगा न्यूक्लियाई है, एक माइक्रो न्यूक्लियाई है, और हमारे यहाँ पर भी यही था, एक पेरामीशियम के अंदर एक माइक्रो और मेगा था। और ये जो विभाजन हुआ, यहाँ जो कैरेक्टर आए इस पेरामीशियम में और इस पेरामीशियम में, क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि एक्सचेंज के बाद डिवीजन हुआ है और फिर ये बने हैं संतति पेरामीशियम। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है आनुवंशिक पदार्थ का केंद्रक का, इसलिए ये क्या है, लैंगिक जनन, पेरामीशियम में लैंगिक जनन संयुग्मन या कॉन्जुगेशन टाइप का होता है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी मैंने, ये बताना मैंने, सिनकेरियम, क्या होता है सिनकेरियम, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिनकेरियम क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन समझ में आया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब दोनों पेरामीशियम अलग अलग प्रकार के होना चाहिए। तो पेरामीशियम में विशेष प्रकार के कण होते हैं, ये लिखा मैंने कप्पा कण, ये कप्पा कण के कारण ही पेरामीशियम अलग अलग स्टेन के रूप में पहचाने जाते हैं। सेम वाले में तो होगा ही नहीं, थोड़ा सा अलग होंगे, तो इन कप्पा कण के कारण पेरामीशियम को विभिन्न स्टेन के रूप में जाना जाता है, कोई दिक्कत इसमें। और एक और लिखा मैंने ट्राइकोसिस्ट, ये ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, हाँ, शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करने के लिए पेरामीशियम के अंदर विशेष प्रकार की रचनाएं या अंग उत्पन्न हो जाते हैं, उन अंगों को क्या कहा जाता है, ट्राइकोसिस्ट। समझ में आया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लियर है।